मेरे इस तकरीब में से जमा मेन बुजुर्ग मेन साथी बहरहाल आज का दिन ये जो था मैं कसदन इरादन नसा तकरीब में गुन शामिल मैं अचानक तौर पर आसा तो मुजम्मिल साहब ने मुझे यहाँ पे इस तकरीब से बारस में जुइन असम चीन फंक्शन आपको दावत है। बहरहाल मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मैंने भी शिरकत इख्तियार कर दी नत में अपने किस प्रोग्राम दान में वो ये मून पहला मौका क्या किसी स्टेज पा पी जबान मज तुन खताब करते लिहाजा अगर इसमें अपना दिक्कत ये वो मुझे माफ़ कर देना बाकी जबान मजबूत खताब काफ़ी जगह स्टेज पा लिहाजा पहला मौका खास जबान तो अगर कहीं गलती गई तो मुझे माफ़ कीजिए माफ़ करें आप। बहरहाल ये मेरा बहुत ही जबान से मतलब पहले से पहले पहले वक्त से अत जज्बात खास जबान खास जबान से बारस और यूँ जज्बात में आते खास जबान से बारस में ये बहुत मुझे ये बात मैं बचपन आता और इस मतलब वन में पन्न जाती तजुर्बे तुस या तुस जो मेरी ज़िंदगी के साथ ये क्यों वाबस्त रहा में क्या तजुर्ब सबसे पहले बहरहाल मैं गैर शादीशुदा था उस वक्त आउत पढ़ते तल यसो अंदाज मे मिल तल इस अहमियत सुन ख्याल पे मे तल बहरहाल आउत जमे सुन पढ़ते मैं थोड़ा सा जिक्र थोड़ा टाइम शा ना आउत तल एम ए कर ठाकर साहब का भी सुन दौर तो तल आउत वक्तन फ़क्तन गस्त तल प्रान यूनिवर्सिटी तल जगह तीस त इस एकोमडेशन वन पेगी मे निश असन क्लास लगते दी बज बाद कत बज बाद रात के 8 बजे 10 बजे तक क्लास चलती थी हमारी रात को इंतजाम मंज तसम मामलस मन गे ठाकर साहब सन कोठी निश तेरा पन्न इत हमारे साथी साथी समझो साथी हाथ तम ये हे तलीम पढ़ तुम तक ये मे वो तेर तजुर्ब ये वन दरखास् ये दरखास्त सा तुल अंग्रेजी मजे तेरा हाथ सीर तन उसका प्यार बाक शाख लिखो सुन दे तजुर्ब तजुर्ब गो यु कि बहरहाल कतन हम ठाकर साहब लग गो तेन कह पे कह एक बार उसने मुझे कहा ये कि आज ये तू सेक्रेटर थोस मे आज तेर मीटिंग मे आज तेर मीटिंग अपनी बोल मुझे कुछ काम था तेर किसी तेरह अद गति उधर आज त्योर सा आज ये पन्नी कथन मन मुझे उस वहाँ से बड़ा ये जज्ब पैद रून मे कि देखो मे वो पे जबानी मदर टंग इस पे अहमियत दी किस चोटी पर पहुँचे लोग हैं ये बड़ कदर करते असन तो पेज कर नारी खैर ऐसे तजुर्बा रहा मून तजुर्ब जिंदगी सुन पहले मैंने शादी की बच्चे हो गए यल हर एक बच्चा पैदा हुआ तसो तसन दुई की हिचल मगर अस हिचल तस या हिचल मस अंग्रेजी या हिचल मस उर्दू लाल सर कथ सर मगर मैंने घर वालों को मना कर दिया कि यस यौन उर्दू न कर सीन हस कर पे कथ खा कथ मैंने ये उत्साह ये 1988 का तजुर्बा 1989 का तजुर्बा है मुझे यौन एन सा उर्दू कोर कि ये जो है यौन बस पत खराब गई यौन थी पत पानी मादे जबान छन ये गौन खराब गई जब ये अपने बलोगत में आ जाएंगे कि ये तमाम जबान खुद सीखेंगे और मिथ पुड़ अनपढ़ मगर मैं उसको सजेशन आउ सस वन कि क्यों हूचन पत पाने अलहमदुल्ला इस वक्त ज़्यादा कोई तालीम नहीं हासिल की लेकिन यल से जान तो उर्दू तर मेरा लड़का इधर ही है
विषय में उर्दू क्यों मत, अगर हम मैं और इसके साथ मुकाबला होगा उर्दू का, मैं तो इतनी पूछ नहीं की इसके मतलब ये गर्ज जी। और उसके साथ मेरा और तजुर्बा, यहाँ इकबाल साहब हैं, बहुत अच्छे राइटर, कमसर नायक साहब, तेन लिख चिया की किताब, बड़ा खर्चा उसका आया, कैसा बड़ा खर्चा। मेरी मेन ड्यूटी है तो खारवान की इसकी हाई स्कूल में, तेन आज तक किताब 5-6 हर स्कूल में तेर बातें लेते, माली तौर पर कैसे बड़ा खर्चा आम थे पन्न पैंसठ आदमी खर्च चलते मत उन तेर सौ के लाइब्रेरी में लेती हूँ शामिल कर, मुझे उनका मुआवजा 5 मिल गो सुन में, मगर सो बार बार वन तीन इन त्राशा में हाई स्कूल मन किताब, मगर मुझे वहाँ का कोई मुआवजा नहीं मिला, मुझे उस कर करार की इसको। फिर आखिर बार वार 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 मौका आओ हडमासा तो बनो तो उसने किसा और बनो तो तेर इंचार्ज, मैंने उसको फ़ोन किया आप में जी आपकी किताबें जो हैं मुझे बड़ा इन पर मैं पढ़ देता हूँ, उसमें उसने बहुत ग्रामर अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा ग्रामर, क्यों पढ़ सुना उन्होंने क्या मैंने क्या क्या नहीं विजुअल सामने में चंद शायद आए जो है, वो तो मुझे गर्ज ही नहीं है, ये किसी के जो दायर तहत गाशी न तु कैसे लेते हैं वन मज दसा मैं थोड़े बच्चे पता ना भीख मांगते यहाँ अदारस से थ्रू गाशी पे मैं तुम लाइब्रेरी में दाखिल और मैंने उसको वहाँ से पैसा निकाला तो उसको भेज दिया जहाँ ऐस कर किया यल सुन कहाँ जैसे अहमियत देते इसने इतनी मेहनत की है, लिहाजा बहुत सारे हमारे यहाँ शोरा जीते मतलब मुझे इनके साथ खास तारुफ नहीं है, जैसे खुर्शीद साहब है इनका, जहांगीर साहब डेंग साहब हैं, दूसरे कौन थे खुशी मोहम्मद, इनको भी बहुत मुबारक देता हूँ कि यहाँ यानी मेहनत के में दी 1984 की 88-89 की बात कर रहा है, अगर तन बाद ऐसी लैंग्वेज सुन जबान सुन प्लेटफार्म मिलते मत ये किसी हद तक पहुँचे हुए इंसान होते और सुन यालिया, मगर सुमिल तो नहीं बहरहाल उसके बावजूद बड़ मैं बहुत दिली खुशी जाहिर करते कि आप लोगों ने यहाँ तुझे चूंढ कदम तोलते मत, ये पढ़े लिखे जवान हैं एम्प्लॉय हैं कि बाशूर आज समझो इस लैंग्वेज से ज़्यादातर हमारे पास जो बेचारे यहाँ अनपढ़ सी यहाँ यौन से समझल न इसके क्या कवायद जवाब थे या सुकम फायदा से इनको समझाना है, इसके लिए आपने एक मुआर कर मैदान एक ग्राउंड इन्हें बुनियाद डालनी इस चीज़ के लिए आइंदा किचन की यानी यानी फंक्शन ऐसे ऐसी यही तकरीब को सुन बनानी है मनक़त करनी है तेरी कांत चावर कथ यौ तुन जिनको इसके बारे में यह सब इलम सुन अदे बनी इस चीज सुन इस मन चीज अगर यह अहमियत दूम इस मन अदब यह कल्चर इस कल्चर को इस कल्चर यू निभान करने किचन ये शोरा हजरात या कुरुन कार बनी कुत मन कुत नि अदीबाना मवाद निकलेगा इसमें अदीबाना मवाद नि बच्चे अगर लड़के यठ योश पड़ के तुन पे जबान सुन तत् होल्ड की इसी यस मन अदीबाना अदायगी आते सह हक त अगर आज वन मालस वन बारनेस वन हदसा कुदसा ये इसके अदीबाना अल्फाज हैं, लेकिन अगर उसको हम नहीं सिखाएंगे वो सुनी नहीं हूँ बना कुछ कौरसो कुछ यमा से ये चीज़ें इसमें हैं, पहले हमने अपने यानी अपने घर में पे गरस मन यू चीज़ आने हेचन अब फिर गुठो यल इंसान फिर जाकर इसको इस चीज़ को अहमियत मिलती मैं ये थे रुकावट इस खाखन ये मुझे माफ़ करना तो अब इंसान योग धाती लिहाजा यही चीज़ है कि अगर इसके बड़े फ़ायदे हैं इंडिया गवर्नमेंट हिंदुस्तान का जो कंस्टिट्यूशन है यस मन बड़ फायदे यून जातन ये लैंग्वेज जो है शेड्यूल में कितने लैंग्वेज ये छठा शेड्यूल इसमें कंस्टिट्यूशन मन तस्मान अगर शामिल ये करने लेकिन इसमें बहुत वक्त लग सकता है, लेकिन असन चु इसके लिए जदोजहद करनी है कोशिश करनी है कोशिश तो करनी अदे है सुबह नहीं बड़े मतलब हम वहाँ कसना तफसील में जैसे यहाँ पर मुजम्मिल साहब ने इसकी तारीख जो है तफसील सैर हासिल बहस ली हमें जैसे तारीख से मुतलक जैसे पावन साहब है यहाँ बड़ा असल मुतालब मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, मैं हो सकता है मैं तो ऐसा नहीं मगर यहाँ दूस मुबारक इनका अच्छा मतलब इसका नॉलेज दिवान इस मतलब यही लोग जो हैं इसको इस कारवां जो आपने इसको शुरू किया है ये कारवां इसको आगे चलाने को ये मेहनत करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को भी समझाएंगे आप लोग ये ऐसे ऐसे मौक़ों पर ही इसकी अहमियत जैसे अहमियत समझो तो यानी इन मौक़ों पर यानी ये तकरीब उन करनी ये सब मैं समझता हूँ इसकी शुरुआत ही वन इंशाल्लाह ताला ये शुरुआत रहन लायक ही जो जिसको जो जज्बा था वो आके यहाँ पर बैठा है यस धूप यस तकलीफ ये तो ये आप लोग तोलचिन तो हम सोच बड़ा
बहुत मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम इतने इतने तकलीफ तोलते इतने बिमत, लिहाजा आइंदा के लिए कहाँ से इनका जो प्रोग्राम है वो बाटू में होगा बड़ी तकरीब है इस मतलब इसी को ये दावत दावत दूँ इस मे ग हमेशा इन्हें उस वक्त भी यहाँ पर शिरकत गज कर जरूरी तो बाकी मैं मेरे इस तकरीब मन से जमा मेरे बुजुर्ग मेरे साथी दोस्त